वेलकम टू समझो टेक्निकल। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सी केवाईसी के बारे में, जो कि कभी भी अगर आप बैंक विजिट करते होंगे वहाँ पे एक सी केवाईसी नंबर का रिक्वायरमेंट होता है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सी केवाईसी क्या होता है, सी केवाईसी बेनिफिट्स आपको कैसे मिलने वाला है और सी केवाईसी का नंबर आपको कैसे आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कि सी केवाईसी का जो फुल फॉर्म होता है, जो कि सेंट्रल नॉन योर कस्टमर, जो कि ये सर्विस आपको 2012 से 13 में हुआ था, बट 2016 से ये मैंडेटरी हो गया कि आपको सी केवाईसी नंबर आपके पास होना चाहिए। और काफी जगहों में इसका रिक्वायरमेंट है जो कि केवाईसी के लिए मांगा जाता है, जो कि सेंट्रल लेवल में इसका एक केवाईसी होता है। तो हम इसमें बताएंगे तो इसका जो इससे आपको बेनिफिट्स आपको क्या मिलने वाला है। सी केवाईसी का बेनिफिट आपको यही मिलेगा कि जैसे कि अगर आप कहीं पे बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो आपसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सभी चीज़ का डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। बोलता है हमें केवाईसी करना है। आप बैंक में जाते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपन करते हैं या डीमैट अकाउंट भी ओपन करते हैं तो हर जगह आपसे केवाईसी के लिए आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। अलग अलग आपको देना पड़ता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, केवाईसी के लिए। बट आपको ये है कि जब ये आपके पास सी केवाईसी नंबर आपको मिल जाता है, आपको हर जगह आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको नहीं देना पड़ता है, सिर्फ यही नंबर देंगे। तो डीमैट अकाउंट नहीं तो म्यूचुअल फंड वगैरह या फिर बैंक वगैरह में अकाउंट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा सिर्फ सी केवाईसी नंबर देने पे। अब हम बात करते हैं कि सी केवाईसी का नंबर आपको कैसे मिलेगा। सी केवाईसी का नंबर आपको, आप म्यूचुअल फंड अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे ओपन करके आपको कंपनी दे देती है, नहीं तो अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं किसी भी कंपनी में, आपको अपस्टॉक हो गया, ज़ीरोधा हो गया, नहीं तो फिर आपका एंजल ब्रोकिंग किसी में भी अगर आप ओपन करते हैं तो इजली तरीके से आपको इसका सी केवाईसी का नंबर आपको मिल जाता है। तो अगर आपने कभी भी अपने अकाउंट ओपन करवाए हुए डीमैट अकाउंट तो वहाँ पे आपको मेल ऑप्शन में जाना है, मेल ऑप्शन में सर्च करना है सी केवाईसी अगर आप होता है तो वहाँ पे। मैंने भी बनाया था बट हमें भी पता नहीं था कि सी केवाईसी नंबर होता है, तो मैंने काफ़ी जगह चेक किया तो पता नहीं चलता। तो हमें कोई फ्रेंड ने बताया कि आप अपने केवाईसी में चेक करें, तो उसमें वहाँ पे मैंने सी केवाईसी सर्च किया तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिल जा रहा है यहाँ पे सी केवाईसी का नंबर। तो इस तरह से आप ले पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर करें। मन में किस तरह का सवाल होता है तो नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, गुड बाय।